सुनने वाले मित्र, माँ का ममता पलव पार होता है संसार में। बतावा गो कि माई 9 महीना अपने बच्चा के पेटे में रखत है। बच्चा जब बाहर आवत है तो माँ ने पालन पोषण करके ज्ञान देती है, पहला गुरु महतारी होत है। बेटा तुम्हारे काका है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे मौसिया है के पहला गुरु हुआ माँ है। कितना माई के लोग ममता निभावत है बतावत जाजे कागजनी। उजाला बताई है ना वही की हंसी मजाक वाला। संसार है मेरे दोस्त, माँ का भरपाई कोई कई नहीं सकता है। भगत अपने माँ के चरणों में अरदास करत कैसे मुन्ना ककहरा से बागीत कर जोरे खड़ा सवाली बिंदा जगतम्बे तेरे सहारे गाई जी, गौरी गणपति गंगा मैया जगत तारनी माई जी, घनन घनन घंटा मंदिर में सुबह शाम घनाई जी, चौदिस गूंजे नाम चंद्रिका चंदी अशीष झुकाई जी। छप्पन कोटि भवानी आओ, छप्पन कोटि भवानी आओ, नदिया एक है लेकिन घाट बहु। भक्ति सब करत हन, भक्ति कीन मीरा, भक्ति किया प्रहलाद, भक्ति किया भभीषण, परिवार से नाता टूट गया। अब आजकल का भगत नहाए में 5 मिनट लागत, कपारे पर आधा आधा घंटा नस्का छाट पत्थर। उजाला हम प्रयागराज के है, प्रयागराज ना इलाहाबाद से प्रयागराज है कि भैया वा नाम बदल गया प्रयाग राज। हमारे पचन के ही आए अब माघ मेला वाला में बछिया नहीं पहुंचते तो बछवा के बोरा उड़ाई देथिन गौदान पकड़ाई। प्रयागराज है जहाँ संगम बहत तीनों धारा बहत वहां जगह से दासाई बाय। भक्ति जो होता है बाबू साहब कहीं नहीं जाती है की ही जाती है। कख गंग माने कुछ नहीं, छ आइए करबट्टा आइए। भगत अपने माई के चरण में अरदास करता, माई हमारे पास कुछ बा नहीं, हम खाली हाथ केवल तोहरे चरण के आशीर्वाद ले आई। काही जो काम दवा से नहीं होता है काम दुआ से होता है, कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं बात होता है। हमारे गाना में चटनी अचार कुछ कम मिले तो है पचे, लेकिन फरियाव सब ना ही जनते न। फरियाव कैसे? फरियाव को मतलब केराऊ बहुत। अच्छा अच्छा। औरत देख ले अब हाँ अनास पछोरे लागत है सूपे में लेके, दो दाई फट फट मारा था, एक दाई मारा से खट ककरा अलग हो जाता दाना। हाँ तो फरियाव बहुत है थोड़ा रच के ये बात आए। बिरह का मतलब होता है दर्द। ओ भगत गुरु के चरणों में माँ के चरणों में अरदास करता दूसरी लाइन में काम ना
तेरी महिमा ब्रह्मा विष्णु की जड़ा देहन लगाई जी, ठकुरानी राधा रानी के दिहन हाथ लौलाई जी, डटा रहो महफिल में मैया चरणों में शीश झुकाई जी, ढोल नगाड़ा बजे द्वार पर गूंजत बा सहनाई जी। ताने गदाय अंजनी लाला, ताने गदाय अंजनी लाला, और ताने गदाय अंजनी लाला, थोड़ा थोड़ा भगत कहत माँ हम तो तोहरे सहारे आई है, लेकिन आपके भाव का बहाय ताने गजाय अंजनी लाला, थोड़ा दर्शी अजोर संभाला, दर्शन कही भरत काली बिरावली, भगत माई से कहत माई मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो खाली हाथ है आपके चरणों के अरदास करने आया हूँ, जो काम दवा से नहीं होता तो काम दुआ से होता है, कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं तो बात खुदा से होता है। आखिर लाइन में कहत का मुन्ना ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न आ त थ द ध आ गया, कहा धन उधारी के तुम्हारी छैया के वाले अर्ज लगाई जी, नहीं पास में पूजक थाली के वल बिनती सुनाई जी, परम पिता है परमेश्वर जो ये कई में समाई जी, ठहरे ध्वजा गगन के ऊपर ये कई एक लगाई जी। ब्रह्मा देवी तो है बुलाई, ब्रह्मा देवी तो है बुलाई, और ब्रह्मा देवी तो है बुलाई, भाषे दे तू पार लगाई, महिमा तोहरा वाली राली बिंदावली माँ, चाहे एक लाइन भक्ति करे, चाहे दस लाइन कहे, चाहे सारा दिन करे, चाहे सारी रात करे, दस दिना बीस दिना सत्ता कह के बैठा दे, लेकिन परमात्मा जो होता है सर्वत है। गोस्वामी तुलसीदास ने यही लिखा कि ईश्वर्यांश जीव अविनाशी, इंसान को भक्ति करना है तो पहले अपने घरे से करे, चाहे जे अपने माई और बाबू के भक्ति कैल है, जो सेवा कई दे मास्टर साहब, उससे बड़ा कोई तीर्थ और भक्ति नहीं है। लेकिन हमारे तोरे यहाँ घरे के ललाई और बहर वासु पूजा मांगा, माई और बाबू के सेवा क्यों नहीं करता है, मेहरारू के बैठा के मोटरसाइकिल पर पहुंच गया हन, हाउ देशन ना दर्शन करे का समझते है, यह भक्ति चलता। सत्य बात मेरे दोस्त, भक्ति करना हो तो पहले अपने घरे करिए, अपने माता पिता के। यही बारे कोई शायर ने कहा था कि बाढ़ है पूत पिता के घर में खेती उपजाई अपने, अब आवे वाले समय में आखिरी लाल गुरु घराने के परचे में लाला कहना बा। हाय नया नवा में राम बसी गए, लागी बार बार हम बाबा के चरणवा, नया नवा में राम बसी गए, बार बार हम बाबा के चरणवा, नया नवा में राम, लागी बार
निराकार में सकती बात कह दास पुकारी बलिहारी गुरु हमई बतावा ये सारा भारी जी लगता रबा रबा बात क्या सुन रहा है तनैया रजा